कैसे हैं, जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 7:30 बज चुका है। मेरा सब काम उम खत्म करके नहा करके पूजा कर लिए थे, 6 बजे तक बैठे थे, अभी तक बैठे थे। फिर जाके अभी काबुली चना रात को भिंगोए थे, उसको अभी उबाल कुकर में उबाल लिए हैं, मसाला भी मिक्सर में पीस लिए हैं, जा रहे नाश्ता बनाएंगे। मेरा बेटा का बर्थडे है, लेकिन बर्थडे वो नहीं मनाता है। अगले साल तो हमने कुछ नहीं मनाया है, ये साल भी वो केक उक नहीं काटता, ऐसे कुछ सिंपल खाना उना बनाएंगे, वो खाएगा बस, और कुछ नहीं। पहले छोटा में मनाते थे, आजकल बड़ा हो गया बच्चा लोग मनाने नहीं कुछता। काबुली चना का सब्जी बन के रेडी हो गया है। इधर सोमा पूरी छने हम थोड़ा बेल दिए, सोमा पूरी छन ली है हम, बेल दिए, पूरा पूरी बन के तैयार हो गया, और थोड़ा सा है अभी, नाश्ता नहीं किए हम लोग, पूरी खाएंगे बोल के। बेटा का बर्थडे है लेकिन वो पूरी नहीं खाया, वो रोटी खाया, सूखा रोटी, उसके लिए रोटी बनाए हैं, सूखा रोटी दे भी दिए उसको नाश्ता। नाश्ता बन के रेडी हो गया। सोमा को सोमा अचार लेगा तो अपने से निकाल लेगी, वो अचार खाती है पूरी में, इसीलिए हम बोले तुम अचार लेना है तो निकाल लो। नाश्ता कर लिए, नाश्ता करने के बाद बर्तन नहीं धोए हैं, सब्जी मार्केट से आया, सब्जी को सजा रहे हैं हम। इधर सब्जी सजाते सजाते थोड़ा सब्जी भी काट लिए, सोमा उधर नाश्ता का बर्तन धो ली है। अभी हम थोड़ा पुलाव बनाएंगे सिंपल वाला, इसलिए गाजर और शिमला मिर्च कहते हैं, और क्या बनाते हैं देखते हैं। दूध पी ले, दूध पीने आया है, सुबह से दूध नहीं पिया, पूरी खाएगा, तेल वाला फ्राई चीज खाएगा, मीठा खाएगा, ये सब दूध देखे, थोड़ा सा दूध पियो, बस पियो 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 पियो, गर्म नहीं है, पियो, कब से दिए हैं, थोड़ा सा पिए। बेटा का बर्थडे है इसलिए चॉकलेट ला के दिया है, दो अपने खुद नहीं खाता, 5 ठो लाया है, खाएगा ना तुम एक ठो? वो नहीं खाएगा, मीठा नहीं खाएगा, सिमई बनाए थोड़ा सा भी, आप लोग को दिखाए नहीं दिखाएंगे, वो नहीं खाएगा। नाश्ता करने के बाद सोमा बर्तन ली थी, हम धोई थी, हम सब्जी कट लिए पुलाव में देंगे, अभी भेज वाला पुलाव बनाएंगे। और इधर चिकन को मसाला देके सान करके रख दिए बढ़िया से, वो बनाएंगे अभी, चावल उबलने के लिए दिए हैं। हम चिकन नहीं खाते हैं इसीलिए, नहीं तो चिकन पुलाव बना देते मिला के, बच्चा लोग बोला मम्मी आप खाते नहीं इसीलिए आप सिंपल वाला पुलाव बना दीजिए, गाजर शिमला मिर्चा और किशमिश काजू ये सब डाल के, आज थोड़ा सिमई भी बना दिए, वो तो खाता नहीं तभी भी मीठा बना दिए थोड़ा सा। पुलाव बन के रेडी हो गया, कब से बन जाता, मेरा बगल में एक ठो एच वाला क्या बोले आंटी टाइप का है, डेट कर गया तो उन्हीं को थोड़ा देखने चले गए थे इसीलिए लेट हो गया। अभी पुलाव बन के रेडी हो गया, चिकन नहीं बनाए हैं, चिकन तैयार कर दिए, मेरा बच्चा का बर्थडे है बोल के बना रहे, नहीं तो बगल में ऐसा हुआ ना अच्छा नहीं लगता है, ये सब नहीं बनाते मेरा, हमको तो पता नहीं ना सवेरे जो ऐसा हो जाएगा, मेरा बच्चा का बर्थडे है इसीलिए हम ये सब तैयार कर रहे हैं। उधर वो उनको अस्पताल ले आ गया था, वहीं पर डेट हो गया, सब कुछ बना लिए हैं। अभी तक तो हम लोग लॉन्च नहीं किए थे, अभी कितना बज रहा बाबू, 2:30 बज रहा, क्योंकि वो 2:10 क्योंकि मेरा बगल में जो डेट हो गया था ना उनको ले गया, थोड़ा ले गए हैं, थोड़ा खड़ा होकर देख रहे थे, इसी में लेट हो गया। मेरा बेटा का बर्थडे है, सिमई नहीं खाता, जबरदस्ती उसको थोड़ा सा खिलाएं, वो खा लिया। अभी ये वाला दिन ये सिंपल चावल है, ये पुलाव है, ये भी सिंपल वाला पुलाव, चिकन नहीं, सिमई पूरी काबुली चना का सब्जी और चिकन। आज का लंच वाला ये थाली है, बर्थडे में केक उक नहीं कटता है इसीलिए उसका लिए ये सिंपल वाला खाना, टफी खाना खा लिया बैठा, सोमा अभी नहीं खाया है। हम खाते खाते ये वाला लंच का थाली तैयार किए, लंच कर लिए, बर्तन नहीं धोए, लंच करते करते 3 बज गया था, हम लंच बना लिए थे जल्दी से, लेकिन एक तो आंटी बगल में डेट हो गया ना, एकदम घर का सामने ही मेरा, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा,
तो इसीलिए वहीं पर थोड़ा बहुत रुक गए। फिर आके हम लंच का तैयार किए, फिर जाके लंच उंच तैयार करके कपड़ा लत्ता धो करके फिर जाके देखे, फिर देखे उनको ले जाने के बाद हम लोग लंच किए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, रोज टाइम पर खाना खाते, एक आध दिन लेट होने से क्या हो गया है। लंच करने के बाद सोमा बर्तन धोए, हम थोड़ा खड़ा होकर के देख रहे हैं कितना तेज से, देखिए बारिश हो रहा। कल से बारिश नहीं हो रहा था, कल अंधेरा था, लेकिन आज बहुत तेज से धूप छोड़ा था। कल भी 2 बजे के बाद धूप छोड़ा था, लेकिन आज देखिए कितना जोर से बारिश हो रहा है। पूरा मेरा जो आंगना है वो पूरा भर गया पानी में। रात को अभी 10 बज रहा है। डिनर के लिए कुछ नहीं बनाया, दिन का जो सब था थोड़ा बहुत खा लिए। गला थोड़ा बैठ गया है, सो गए थे 9-8 में। बेटी बोली मम्मी जगिएगा नहीं, तब जाके हम जागे। दिन भर काम करते रहते थक जाते ना, इसीलिए ना ये सुबह 3:30-4 बजे जगते हैं। काम वाम करते करते पूरा एकदम कितना 7:30 बज जाता, 8 बजे तक कभी कभी। फिर उसका बाद नाश्ता बनाओ, नाश्ता खाओ, बर्तन धो, सब करते करते फिर उसका बाद सब्जी काटो, फिर सब्जी को धो धा करके मसाला वाला होगा तो मसाला पीसो, फिर सब्जी बनाओ, ये सब करते करते पूरा परेशानी हो जाता। फिर लंच का तैयार वर करके गैस पोछ के कढ़ाई धो के फिर नहाओ, कपड़ा खींचो, फिर खाना दो लंच का, फिर बर्तन धो। हम लेडीज लोग का, हाउस वाइफ लोग का थोड़ा भी ये नहीं है, संत नहीं है। जब करते हैं जो लोग, लोग को थोड़ा बहुत है टाइम, है संडे को टाइम नहीं है, वो लोग का भी कपड़ा खींचना है उस दिन, जिनका कोई मतलब ये नहीं है राशन लाने के लिए, कुछ मार्केट जाने के लिए, वो सब भी करते हैं, उन लोग का भी शांत नहीं है। खाली हफ्ता भर जो बैठते हैं जॉब करते हैं वो थोड़ा बहुत हेल्प, मतलब वो भी नहीं है। जॉब करते हैं फिर घर में खाना वाना बना के जाते हैं, उन लोग का भी शांत नहीं है। शरीर आदमी कभी शांति नहीं है। आज का ब्लॉग इन करते हैं, कल नए ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। गुड नाइट, बाय। लाइक सब्सक्राइब कम से कम कर दीजिएगा।